जाएगा। नहीं नहीं ये थ्योरीज वैसे अब खत्म हो चुकी हैं कि किसी एक प्लेयर पर रिलाय किया जाए कि वो मैच निकाल के ले जाएगा। 11 के 11 प्लेयर्स हैं। किरण जवाब समर का। बिल्कुल देखो समर, मैं कह सकता हूँ इंडिया की जो गेंदबाजी है बहुत बेहतरीन है, जैसे हमारे जो बुमराह है हर टीम के अंदर नहीं, बुमराह है जो आई थिंक वर्ल्ड के बहुत बेहतरीन T20 बॉलर है। टेस्ना जो बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस बहुत काम में आता है बड़े ओकेजन के टाइम। उसके बाद आप बल्लेबाजी की बात करते हैं और पावर हिटिंग की बात करते हैं, तो आई थिंक पूरा बैलेंस देखिए बहुत ही बेहतरीन है। तो मुझे लगता है हमारे जो पहले तीन फास्ट बॉलर है, शामी हैं, बुमराह, शार्दुल ठाकुर, स्पिनर्स हैं हमारे, वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिनर हैं, जडेजा खेलेंगे, उसके बाद ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, आपके पास सूर्या यादव, रोहित शर्मा, के एल राहुल और विराट कोहली हमारे कप्तान। तो आप देखिए ओवरऑल बैलेंस टीम का बहुत बेहतरीन है। बिल्कुल पाकिस्तान में भी जो बल्लेबाजी है बहुत बेहतरीन है, पर आप डिपेंड ज़्यादा करते हो बाबर आजम के उस पर, तो वो और रिजवान, ये दो तीन विकेट चले जाती है पहले तो बहुत परेशानी हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये इंडिया में बाबर आजम का नाम ज़्यादा चल रहा है। नहीं, बाबर आजम का नाम बचा है, इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन सिर्फ बाबर आजम और रिजवान और एक दो नाम ही है। इंडिया को बड़ी बुरी तरह से धोया था भाई। नहीं समर देखो अच्छा खिलाड़ी है, फखर जमान है, शुएब मलिक है, दामाद जी इंडिया के, वो हमेशा से इंडिया को बड़ा पीटा है उन्होंने। वो आप जहां से देखिए के साथ हमेशा बड़ा बुरा, आपको सरफराज और शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज को लाना पड़ा, यही टीम की सिचुएशन दिखा रहा है। T20 वर्ल्ड कप जीतने का मौका इंडिया को 2 साल में एक बार मिल ही जाता है। नहीं दामाद को खिलाया गलत बात है, दामाद का हमारे लिए खेलेंगे। से मैं ये पूछना चाहूंगा समर, आसिफ इकबाल साहब से मैं ये पूछना चाहूंगा कि आसिफ साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान के लिए बेस्ट चॉइस क्या हो सकती है? आप समझते हैं कि हमें हफीज के एक्सपीरियंस के साथ जाना चाहिए या फिर हैदर अली यंग ब्लड को सरप्राइज देना चाहिए भारत? सरप्राइज पैकेज। देखो ये जवाब देने से पहले मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, तो आप लोग मुझे सिर्फ 2 मिनट दें। सबसे पहले तो ये कि संजय मंजरेकर ने बिल्कुल सही बात की, आप लोग उसको तोड़ मरोड़ के कहीं और ले गए। वो ये कह रहा था कि दोनों टीमों की बात करने के बाद संजय ने कहा कि मेरी उम्मीद है कि हम जीतें। लाइकवाइज एज ए पाकिस्तानी क्रिकेटर मैं भी चाहूंगा कि हमारी टीम जीते, लेकिन जो भी टीम हारेगी इसका ये मतलब नहीं है कि वो वर्ल्ड कप के बाहर हो गए हैं। ये जज्बाती बातें जो है वो अपनी जगह ठीक है। साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि आई एम नॉट द राइट पर्सन टू पार्टिसिपेट इस डिस्कशन में, इसलिए कि ये T20 क्रिकेट देखें जो शॉर्ट्स आजकल खेले जाते हैं, कमेंटेटर जो पहले कहते थे कि ये स्लॉग है, आज उसको कहते हैं व्हाट ए ग्रेट शॉट एंड यू नो, और बस ऐसी बातें हैं T20 क्रिकेट के जो हमारे जमाने में सोची भी नहीं जा सकती है। इसी तरह ये इस प्रोग्राम में आज बैठकर मुझे एहसास हो रहा है कि मैं इस एरा का आदमी नहीं हूं कि ऐसे प्रोग्राम में बैठकर जिस तरह से तालियां बजाई जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, I don't think I am capable of participating in this. Good luck to both India and Pakistan. I sincerely hope and pray that we have a great match. Aasif saab, ek sawal yahan India se le le. Inshallah, World Cup jo hai, that is what focus should be on. Aasif saab, India se ek sawal. आप कह रहे हैं कि आप इस era के नहीं हैं, लेकिन कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जो हर era की होती हैं. आप उनमें से एक हैं. India में काफी इज्जत है. ये आपसे जानना चाहेंगे इस एरा में बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली के जो बात चलती है उसमें आप प्योरली एज अ क्रिकेटर क्या कहेंगे? एब्सोल्युटली टू स्टनिंग बैट्समैन अपने एरा के, और इसी तरह के कोई कंपैरिजन इसलिए नहीं हो सकता कि विराट जो है अपने टीम के लिए जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसी तरह बाबर अपनी टीम के लिए कर रहे हैं। Now, both of them being captains, देखें जब टीम जीतती है तो क्रेडिट टीम को जाता है लेकिन नाम कप्तान का होता है, लेकिन हाउ द कैप्टन जो है मैनेज करता है ना सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस बल्कि उसको टीम की भी परफॉर्मेंस निखारनी पड़ती है। तो ऑल डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ द मैच जो कप्तान, अगर वो आइदर वो बाबर हो या विराट हो, विराट का पीछे कुछ अरसे से फॉर्म उतना अच्छा नहीं है लेकिन उसकी टीम जीत रही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है विराट के लिए बनिस्बत उसकी खुद की परफॉर्मेंस की। इसी तरह हर कप्तान का यही होता है कि पहले टीम की परफॉर्मेंस आगे रहे। एज फार एज उनका जो रिकॉर्ड है जिसकी आप बात कर रहे हैं, आई डोंट थिंक कोई कंपैरिजन अलग अलग नहीं कर सकता इनके, दोनों टॉप के बेस्ट बैट्समैन है वर्ल्ड के इस वक्त, और इंशाल्लाह आप देखेंगे वर्ल्ड कप में इनकी परफॉर्मेंस उम्मीद है। वसीम बारी साहब से भी एक सवाल करना चाह रहा हूँ। वसीम बारी साहब,
चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद इंडिया में हमने देखा था बड़े टेलीविजन सेट्स टूट गए थे, कबाड़ खाने भर गए थे टूटे हुए टेलीविजन सेट्स के साथ। तो आज का मैच भी बड़ा मैच है इंडिया के अंदर भी, लोग बड़ी अपने वाले एग्जांपल इधर इधर कहां डाल रहे हैं बच्चे हैं किसी तरह से, क्या पैगाम देंगे आप उन्हें? जी वसीम बारी साहब, चैंपियंस ट्रॉफी का जो मैच हुआ था उसमें रोहित शर्मा और कोहली बहुत जल्दी आउट हो गए थे, तो अगर मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो हिंदुस्तान की है वो ज़रा सॉफ्ट सॉफ्ट है, वो इतनी मजबूत नहीं है, तो अगर रोहित शर्मा और राहुल को और अगर कोहली को जल्दी आउट कर दिया जाए तो पाकिस्तान हैज़ अ चांस। पाकिस्तान एक डेंजरस साइड है, ऑन गिवन डे किसी भी टीम को हरा सकती है और किसी की टीम से हार भी सकती है, लेकिन मैं ये बात कहूँगा कि दोनों टीमें जो हैं वो बड़ी मजबूत टीमें हैं, अच्छी कम्बिनेशन है, सब कॉन्टिनेंट के उनके कंडीशंस का पता है, और मैं होप करता हूं कि बहुत अच्छा क्रिकेट मैच हो, शायकीन खुश होकर जाएं और मे द बेस्ट टीम विन। इंडिया अगर अच्छा खेले तो वो जीते, अगर पाकिस्तान अच्छा खेले तो वो जीत जाए। बिल्कुल जी, बड़ी खूबसूरत बात आपने की, जो अच्छा खेले उसे इस तरह से हमें देखना है। समर अच्छा, जरा आप ज़हीर अब्बास साहब को भी सुन लेते हैं, उन्होंने क्या कहा वो भी सुन लेते हैं एक बार। टी20 वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुकाबले के क्या कहने, जोश जुनून जज्बात अपने पूरे परवान पर होता है, और इस मुकाबले पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ है पाकिस्तान के दिग्गज पूर्व खिलाड़ी ज़हीर अब्बास जी। ज़हीर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया में। सर, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक बार फिर एक विरोधी के तौर पर आमने सामने, जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं किस तरह से डेडली मान रहे टीम इंडिया को, जो हावी हो सकती है पाकिस्तान की टीम पर? देखिए, इनके मैच्योर्ड लड़के हैं, और सबसे पहली बात यह है कि उनकी प्लेसमेंट जो है, प्लेसमेंट से मुराद ये है कि उनका बैटिंग ऑर्डर जो है वो फिक्स्ड है। पाकिस्तान का भी बैटिंग ऑर्डर जो है वो फिक्स नहीं है, कभी कोई ओपनिंग कर लेता है, कभी कोई ओपनिंग कर लेता है, और होता यह है कि